अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फ्रीलांसरों को फेस करनी पड़ रही है वो है फाइवर के ऊपर ऑर्डर नहीं आना। फाइवर के ऊपर लोगों को ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं आ रहे। उन्होंने अपनी गिग्स बनाई हुई हैं, अच्छे तरीके से रैंक भी हुई हैं, अच्छे तरीके से उनको ऑप्टिमाइज भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी उनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे। ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे, फाइवर के ऊपर क्या इशू चल रहा है, हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट लेकर आए हैं, उस वेबसाइट के ऊपर आप जाके अपना अकाउंट बनाएं और अकाउंट बना के आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। वो वेबसाइट स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन का काम करते हैं, वेब डिज़ाइन का काम करते हैं या फिर इस तरह के डिज़ाइनिंग के काम करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी रिकमेंडेड है। आप फाइवर को छोड़ दें, क्योंकि फाइवर के ऊपर जो है वो कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है। फाइवर ने आप फ्रीलांसर्स की जो प्रोफाइल्स हैं उनको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तादाद में फाइवर के ऊपर लोग जो हैं वो अपने अकाउंट्स बना रहे हैं और कितनी तादाद में जो है इसका कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। तो आपने क्या करना है, वो एक ऐसी वेबसाइट को देखें जिसके ऊपर कंपटीशन बहुत ही लो है, फ्रीलांसर्स बहुत ही कम है और उसके ऊपर काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। उस वेबसाइट के ऊपर डिज़ाइंस के रिलेटेड बहुत सारा काम है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो वेबसाइट कौन सी है और किस तरह से आप जो है वो काम कर सकते हैं और किन किन कैटेगरीज में काम कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए या इस वीडियो के अंदर कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई या आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी, आप हमें कमेंट के अंदर बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जिस वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं उस वेबसाइट का नाम है 99designs। आप में से अक्सर लोग इस वेबसाइट के बारे में जानते होंगे, तो लेकिन ज़्यादातर जो फ्रीलांसर्स हैं वो आजकल न्यू हैं, न्यूबीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो ख़ास तौर पर होने वाली है। अगर आपने इस वेबसाइट के बारे में नहीं सुना हुआ और अगर आपने सुना भी हुआ है फिर भी आप ये वीडियो देखिए, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो इस वेबसाइट के बारे में आज बात करेंगे। इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो कॉम्पिटिशन फ्रीलांसर्स का बहुत ही कम है। हालांकि ये वेबसाइट जो है वो काफ़ी पुरानी है, बहुत से लोग जो हैं उसके ऊपर काम करना जानते हैं, काम करते भी हैं, हम लोग भी काम करते हैं, लेकिन बहुत ही कम इसके ऊपर कंपटीशन है। अभी भी जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कम कंपटीशन है और इसके ऊपर ऑर्डर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइन का काम करना चाहते हैं, काम सीख के करना चाहते हैं, तो ये है वो वेबसाइट जिसके ऊपर आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। चलिए इस वेबसाइट के ऊपर देखते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर किस तरह का काम जो है वो अवेलेबल है और किस क्वालिटी का काम जो है वो यहाँ पे मिल जाता है और इस वेबसाइट के ऊपर किन किन कैटेगरीज के अंदर काम जो है वो अवेलेबल है। मैंने ये वेबसाइट जो है वो आपके सामने ओपन की हुई है। आपको इस वेबसाइट के ऊपर इसका होम पेज नज़र आ रहा होगा, ठीक है, 99designs by Vista। ठीक है, मैंने अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर Vista क्रिएट वेबसाइट का नाम आपको बताया हुआ है, जो कि डिज़ाइंस के लिहाज से एज इक्वल टू कैनवा है, बिल्कुल कैनवा की तरह ही काम करता है, लेकिन कैनवा से थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो ये और 99designs जो है वो दोनों आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, इस वजह से जो है वो 99designs by Vista लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। हम यहाँ पे कैटेगरीज के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर काम जो है वो अवेलेबल है, आप जो है वो किस कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है लोगो एंड आइडेंटिटी। ठीक है, आप जो है वो लोगोज बनाकर दे सकते हैं और आइडेंटिटीज बनाकर दे सकते हैं। मैंने अपनी फाइवर्स की पूरी एक सीरीज के अंदर आपको बताया हुआ है कि लोगोस किस तरह से होते हैं, किन किन टाइप्स के लोगोस होते हैं और आइडेंटिटी, जस्ट लाइक ब्रांड आइडेंटिटी, टूल किट वगैरह, इस तरह की जो ब्रांड के लिए आइडेंटिटी की चीज़ें होती हैं वो आप डिज़ाइन करके दे सकते हैं, वो आप बनाकर दे सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड यह वो सबसे हॉट गिग जो होती है, सबसे हॉट सेलिंग जो कैटेगरी है वो लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटीज वगैरह हैं। तो अगर आप जो है वो इसके ऊपर भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप लोगोज एंड ब्रांड आइडेंटिटी की जो कैटेगरी है उसके अंदर से ज्वाइन करें, उससे स्टार्ट आप जो है वो लें, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, आप जो है वो जल्दी से ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। अगर आप फाइवर के ऊपर जाना चाहते हैं तो फाइवर के ऊपर आप मत जाइएगा, क्योंकि लोगोज के ऊपर
मिनिमम भी जो है वो 2 लाख से ऊपर गिग्स जो है वो अभी फाइबर के ऊपर चल रही हैं, सारे की सारी $5 पर चल रही हैं। तो इसके ऊपर ना ही पैसे हैं, ना ही इसके ऊपर जो है वो आप इतनी जल्दी ऑर्डर हासिल कर सकते हो फाइबर के ऊपर। लेकिन आप अगर इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, तो आप बहुत जल्दी जो है इसके ऊपर ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास आती है वो है वेब एंड ऐप डिज़ाइन। ठीक है, हम वेब एंड ऐप डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको पता होगा कि वेब डिज़ाइनिंग का क्या स्कोप है और वेब डिज़ाइनिंग से आप कितने पैसे कमा सकते हैं। वेब डिज़ाइनिंग का स्कोप जो है वो फाइवर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है, फ्रीलांसर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है, guru.com के ऊपर भी है और अपवर्क के ऊपर भी है। तो अगर आप वेब डिज़ाइन कर लेते हैं, एप्लीकेशन डिज़ाइन कर लेते हैं, UI UX डिज़ाइन जो है वो कर लेते हैं, तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही ईजी होने वाली है। अगर आप अच्छा क्वालिटी काम कर सकते हैं तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आइए, अपना अकाउंट बनाइए, अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करिए और यहाँ से आप अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो ऑफर्स भी नज़र आ रही हैं कि वेबसाइट बिल्डर्स फ्रॉम $549। ठीक है, यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है। दूसरे पे आपको नज़र आ रहा है वेब पेज डिज़ाइन $599। तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज फिर जो है वो डॉलर जो है वो 285 क्रॉस कर गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पैसे आप कमा सकते हैं एक सिंगल वेब डिज़ाइन बनाकर, एक सिंगल ऐप का डिज़ाइन बनाकर। ठीक है, उसमें मुख्तलिफ सारी कैटेगरीज जो हैं वो आ सकती हैं। आप वेबसाइट रीडिज़ाइन कर सकते हैं, ब्लॉग के लिए डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वर्डप्रेस थीम डिज़ाइन कर सकते हैं, लैंडिंग पेज आइकॉन, ऐप आइकॉन, व्हाट्सएप आइकॉन, फॉर्म, ऐप डिज़ाइन, iOS ऐप। आप जितना भी इसके अंदर आप जाएंगे आपको मज़ीद कैटेगरीज, सब कैटेगरीज मिलती जाएंगी, तो आप उनके अंदर भी काम कर सकते हैं। अगर आप स्पेशलाइज़ कर सकते हैं, स्पेशलाइज़ किसी एक कैटेगरी के काम ऊपर काम करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट आपके लिए बेस्ट है। आप इस वेबसाइट के ऊपर आएँ और आके अपने अकाउंट बनाएँ और पैसे कमाना शुरू करें। नंबर 3 पे आ जाती है बिज़नेस एंड एडवर्टाइजिंग। अब आप सबको पता है कि एडवर्टाइजिंग के लिए आपको डिज़ाइंस चाहिए होती हैं, आपको ग्राफिक्स चाहिए होते हैं। अगर आपने वीडियो एडवर्टाइजिंग करनी है तब भी, अगर आपने पिक्चर एडवर्टाइजिंग करनी है तो फिर भी आपको ग्राफिक डिज़ाइन का की सर्विसेज जो हैं वो लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आप जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर बिज़नेस एंड एडवर्टाइजिंग के तौर पर भी काम कर सकते हैं, उनके लिए डिज़ाइन बनाकर दे सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, इसमें पोस्ट कार्ड आप बना सकते हैं, फ्लायर, प्रिंट्स, लीफलेट, डायरेक्ट मेल, फ्लायर। ठीक है, यहाँ पे पोस्टर, एल्बम कवर, पॉडकास्ट के लिए ग्राफिक डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स, ब्रोशर, बुकलेट, जो भी ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड छोटी सी छोटी कैटेगरी भी अवेलेबल होती है ना, वो भी इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आप इस वेबसाइट के ऊपर आके आराम से पैसे कमा सकते हैं। अकाउंट बनाना भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं इस वेबसाइट के रिलेटेड, 99 डिज़ाइंस के रिलेटेड अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अकाउंट कैसे बनाना है आप वहां से देखकर अकाउंट बना सकते हैं। वैसे ही अगर आप फर्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे तो बहुत ही ईजी है और आप जो है वो बहुत ही आसानी के साथ अपना अकाउंट बना सकते हैं और यहां से आप पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है क्लोथिंग एंड मर्चेंडाइज। ठीक है, आप क्लोथिंग और मर्चेंडाइज के लिए डिज़ाइन बनाकर दे सकते हैं। मर्चेंडाइज में आपको पता है टी शर्ट्स आ जाती हैं, क्लोथिंग ब्रांड्स आ जाते हैं, शर्ट्स हैं, फीमेल शर्ट्स, मेल शर्ट्स हैं, इसके अलावा जो एक्सेसरीज होती हैं, कैप्स हैं, ब्रेसलेट हैं, इस तरह के डिज़ाइन जो है वो आप बनाकर दे सकते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर इसकी बाकायदा एक कैटेगरी है और इस कैटेगरी के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे टी शर्ट्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, टी शर्ट्स के डिज़ाइन आप बनाकर दे सकते हैं, क्लोथिंग और अपैरल के लिए, जर्सीज के लिए, मर्चेंडाइज के लिए, बैग एंड हैट, कैप, शॉपिंग बैग, कप, मग, स्टिकर्स एंड अदर क्लोथिंग एंड मर्चेंडाइज के लिए आप जो है वो डिफरेंट चीज़ें बनाकर दे सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपको इसमें मज़ीद सब कैटेगरीज मिल जाएंगी। अगर आप मज़ीद ड्रॉप डाउन जाएंगे तो आपको इससे भी कम जो है वो कैटेगरीज मिल जाएंगी। आप जो है इस वेबसाइट को आकर देखें और जिस भी कैटेगरी के अंदर आपको ईजी लगता है, आप फील करते हैं कि हाँ इस कैटेगरी के अंदर मेरी गिरफ्त ज़्यादा है, मेरी जो कैपेसिटी है, मेरी जो एक्सीलेंसी है वो इसमें ज़्यादा है, मैं इससे जो है अच्छा काम कर सकता हूँ, तो आप उस कैटेगरी को चूज़ करके अपना काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन जो है वो आप देख सकते हैं, इलस्ट्रेशन
2D बना सकते हैं, आप इलस्ट्रेटर के अंदर आप बना सकते हैं, इस तरह की आप इलस्ट्रेशंस भी बना कर दे सकते हैं। ये वेबसाइट्स में यूज़ हो सकती हैं, बिजनेस में, बुक्स में, ग्राफिक्स में, काफ़ी जगह पे जो है वो इलस्ट्रेशंस यूज़ होती हैं। ठीक है, अगर इसकी आप सब कैटेगरीज के अंदर के आएंगे तो आपको यहाँ पे इलस्ट्रेशन ग्राफिक्स नज़र आ रहे हैं, बिजनेस इलस्ट्रेशन है, वेबसाइट इलस्ट्रेशन है, बुक इलस्ट्रेशंस हैं, ठीक है, पैटर्न कार्ड और इनविटेशन कार्ड, इनविटेशन ग्रीटिंग, तो ये डिफरेंट तरह की इस पर भी कैटेगरीज अवेलेबल हैं। तो आप जो है वो अपनी अपने जो स्किल्स हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं किस कैटेगरी के अंदर आप काम करना चाहते हैं। उसके बाद पैकेजिंग एंड लेबल है, पैकेजिंग एंड लेबल भी आपको इसमें आइडिया होगा कि डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स हैं उनकी पैकेजिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, लेबल्स जो हैं उसके ऊपर लगे होते हैं वो डिज़ाइन करके दे सकते हैं और उससे भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। लास्ट बुक एंड मैगजीन्स, बुक कवर जो होते हैं उसको आप डिज़ाइन करके दे सकते हैं, इंटीरियर बुक है उसका डिज़ाइन बना सकते हैं, ई बुक कवर है, मैगजीन कवर है, तो इस तरह के आप जो है वो बुक और मैगजीन कैटेगरीज के अंदर भी डिफरेंट किस्म के आर्ट्स, डिफरेंट किस्म के ग्राफिक्स बनाकर दे सकते हैं और उनसे भी पैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप बिगनर हैं तो आपको चाहिए कि आप फाइवर के ऊपर अकाउंट ना बनाएं। आपके लिए मशवरा यही है कि आप फाइवर के ऊपर अगर आप अभी अकाउंट बनाएंगे तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे ऑर्डर मिले। इस वेबसाइट के ऊपर आएँ, मैंने एक सीरीज़ जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है, आप उन वीडियोस का देखें, मेरे चैनल पे जाएं, आपको डिफरेंट किस्म की वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें मैंने आपको फाइवर के अलावा डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स के बारे में बताया हुआ है। आप उस वीडियोज़ को देखें, उन वेबसाइट्स के ऊपर जाएं और अपने अपने अकाउंट्स बनाएं, आपको वहाँ ऊपर ऑर्डर मिल जाएंगे क्योंकि हम वेबसाइट्स के ऊपर कंपटीशन बहुत ही कम है और अभी जो ऑर्डर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।